चैप्टर का नाम है लॉस ऑफ स्टॉक। इसका पहले कुछ रूल्स है, वो रूल्स आराम से पहले लिख लो, फिर चैप्टर समझाते हैं। नंबर 1, व्हेन एन एक्सीडेंट ऑकर्ड इन द गोडाउन बाई फायर, लॉस ऑफ स्टॉक टेक्स प्लेस। देन अ कंपनी और अ बिजनेस क्लेम फॉर इंश्योरेंस, क्लेम फॉर इंश्योरेंस इन इंश्योरेंस कंपनी। वी विल कवर हेयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम। नंबर 3, वी शैल फॉलो फ्यू स्टेप्स टू सॉल्व अ सम। नंबर 1, देखो ये चैप्टर होता क्यों है, हम लोग ये करते क्यों है। सोचो, हम लोगों के गोडाउन में बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ है, बहुत सारा सामान रखा हुआ है। हम लोग का जिस चीज का बिजनेस है उसको स्टॉक कहते हैं। तो हम लोगों का किसी भी चीज का बिजनेस है, हम लोग के गोडाउन में बहुत सारा सामान रखा हुआ है। एक दिन गोडाउन में आग लग गया। अब आग लगने की वजह से बहुत सारा स्टॉक जल गया, तो हम लोग ने इंश्योरेंस करवा के रखा था, तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस का क्लेम मांगेंगे। तो ये चैप्टर उसी के ऊपर है कि इंश्योरेंस कंपनी मेरे को कितना क्लेम देगा, तो वो लोग कैसे निकालता है। सोचो, मेरा स्टॉक जला है 10 लाख का, तो वो लोग मेरे को कितना रुपया देगा, ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये चैप्टर उसके ऊपर है। इसका सम सॉल्व करने का जो स्टेप्स है वो पहले स्टेप्स लिख लो, फिर समझाते हैं।
ये सब का मीनिंग सम्स में समझ में आएगा, अभी सिर्फ हम लोग लिखेंगे। एवरेज क्लॉज के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए एग्जाम में आता है, इसलिए हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखा रहे हैं जो एग्जाम में लिखना है। अब देखो एवरेज क्लॉज का मतलब क्या होता है। एवरेज क्लॉज हर इंश्योरेंस कम जब भी कोई भी हम लोग फायर इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें एवरेज क्लॉज नीचे लिखा हुआ रहता है। हम लोग इतना पेपर्स पढ़ते नहीं है, बट कोई भी इंश्योरेंस का पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ना फायर इंश्योरेंस का, उसमें एवरेज क्लॉज लिखा हुआ होता है। क्यों लिखा हुआ होता है? क्योंकि देखो अब हो सकता है कि मेरे गोडाउन में, देखो नॉर्मली लोग इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसके लिए प्रीमियम भरना पड़ता है। तो सोचो हम महीने का 10,000 रुपया प्रीमियम भरते हैं, या सोच लो हम साल का 1 लाख रुपया प्रीमियम भरते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को बोलता है कि अगर आप 1 लाख रुपया प्रीमियम देते हो तो अगर इस बीच आपका 1 साल में कभी भी आग लग जाएगा तो हम लोग आपको 10 लाख तक कवर करेंगे, हम लोग आपका 10 लाख तक का खर्चा उठाएंगे। इसी तरह अगर फायर इंश्योरेंस नहीं समझ में आता है तो लोग उसके हम समझा सकते हैं कार इंश्योरेंस से। कार इंश्योरेंस में एक्सीडेंट कवरेज देता है, तो हम लोग प्रीमियम भरते हैं हार्डली 10,000 रुपया 1 साल का, और उसमें बोलता है आपका अगर आपका कार कल को एक्सीडेंट होता है तो हम लोग 5 लाख तक का खर्चा हम लोग उठाएंगे। तो उसी तरह फायर का भी होता है। तो अगर आग नहीं लगा तो ये 1 लाख रुपया हम लोग का वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आग नहीं लगा तो वेस्ट। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, सोचते हैं आग तो कभी लगता है नहीं तो इतना बड़ा प्रीमियम ले ही क्यों। 1 लाख रुपया देते हैं, बोलता है 10 लाख तक कवर देंगे, और एक आग नहीं लगता है तो मेरा 1 लाख रुपया बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा करते हैं 10,000 रुपया का करवा लेते हैं। 10,000 इंश्योरेंस कंपनी बोला अगर आप 10,000 का इंश्योरेंस कराएंगे तो हम लोग आपको 1 लाख तक का कवरेज देंगे। तो हम लोग सोचे हाँ ठीक है 10,000 तक का करा लेते हैं, फालतू में 1-1 लाख देते हैं, आग कभी लगता नहीं है और हम लोगों का खर्चा होता जा रहा है। अब कोइंसिडेंट जिस ईयर 10,000 का इंश्योरेंस करवाए उसी साल आग लग गया। हम लोग के गोडाउन में कितने का सामान था? हम लोग के गोडाउन में 8 लाख का सामान था। स्टॉक कितना था मेरे गोडाउन में? 8 लाख का। हम क्या किए? देखे हर बार पैसा बर्बाद होता है, 1 लाख तक का कवरेज ले लिए। अब आग लग गया, अब जरूरी नहीं है मेरा 1 लाख का सामान था तो पूरा 8 लाख का सामान जल भी जाएगा। हम कुछ स्टॉक बचा लिए। हम कितना बचा लिए? अच्छा जो भी, आग लगने वाले दिन मेरे गोडाउन में कितना सामान था? 8 लाख। पर मेरे को इंश्योरेंस कंपनी कितना देगा? क्या वो मेरे को 1 लाख रुपया भी दे देगा? नहीं। ये एक पनिशमेंट होता है। अगर तुमको पता था कि तुम्हारे गोडाउन में 8 लाख का सामान है तो तुम क्या सोच के 1 लाख ही इंश्योरेंस करवाए? ये सोचे कि फालतू में कराते हैं, ये सब सोचे? तो पनिशमेंट ये है कि बोल क्या बोला था, कम से कम 1 लाख भी देगा, अब वो कैलकुलेट करके मेरे को 80,000 देगा, मतलब जितना बोला हुआ था उससे भी कम देगा। ये करने को कहते हैं एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हुआ। तो पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन क्लोजिंग स्टॉक। पॉलिसी वैल्यू कितना था? 1 लाख, और मेरा स्टॉक कितना था गोडाउन में? 8 लाख का। तो इफ पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन क्लोजिंग स्टॉक देन एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल। एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा तो क्या होगा? जितना मिलना चाहिए उतना भी नहीं मिलेगा, उससे भी कम मिलेगा। ये पनिशमेंट। अच्छा
तो इसलिए अब डेफिनेशन पढ़ो, समझ में आएगा। एवरेज क्लॉज इज अ क्लॉज इन एवरी इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सारे इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है, विच इज देयर टू प्रोटेक्ट नॉट ओनली इंश्योर्ड बट ऑल्सो इंश्योरर, ये दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। इन ऑर्डर टू डिस्करेज अंडर इंश्योरेंस, अंडर इंश्योरेंस मतलब कम इंश्योरेंस करवाना, उसको डिस्करेज करता है। हम लोग नहीं कराएंगे कभी भी अंडर इंश्योरेंस, क्योंकि पता है जितना मांगेंगे, जितना सम एश्योर करेगा, मेरे को उससे भी कम मिल जाएगा, मेरे को उससे भी कम मिल जाएगा, इसलिए हम कभी भी अंडर इंश्योरेंस नहीं कराएंगे। इसलिए बोल रहा है डिस्करेज करता है। एवरी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूड दिस क्लॉज, सारे फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में ये क्लॉज रहता ही है। एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल, ये कब एप्लीकेबल होगा? व्हेन पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन द क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, मेरा जितना क्लोजिंग स्टॉक है उससे भी कम मेरा पॉलिसी वैल्यू अगर है, तब मेरा एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा तो हम नेट क्लेम कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूला से। और अगर मेरा पॉलिसी वैल्यू ज्यादा है तो जितना लॉस होगा मेरा पूरा पैसा मेरे को मिल जाएगा। नेट क्लेम कितना मिल जाएगा? पूरा एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, जितना लॉस हुआ है पूरा दे देगा।